बट फिर भी ऐसे ना कुछ लोग बीच में निकल आते हैं जो फालतू के नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। मतलब आप अगर, मैं ना जो मैं प्रॉब्लमेटिक कमेंट्स की बात कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती की एक बात चलाते हैं कि यार ये एक फेक वीडियो है, ये एक फेक टाइगर साइटिंग है। तो मुझे ना मुझे सिर्फ हेटर से एक चीज़ कहनी है। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो यार, अभी आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो फिर डरना किसी ने नहीं है फिर भी, ठीक है? बस देख के शांति बरकरार रखना, ठीक है? ये देखो यार, क्या ही कर दिया ये इन्होंने यार। और क्या है इसमें? इस क्या मेरे को ये दिखाना था कि इन्होंने अपने सिर पे क्या कर रखा है। ये देखो, देख लो क्या है। टट्टी? नहीं कुछ नहीं, ऐसा है आज वुमेन्स डे है तो अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, क्यों ना करूं उस डे पे, तो करेंगे ना। हैप्पी वुमेन्स डे हो गया। थैंक यू। कोई मेंस डे विश करता है कभी किसी को? नहीं करता। चिल्ड्रंस डे आता है हमारे को, कुछ विश करते हो? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। लेकिन वुमेन्स डे जैसे आएगा ना, ये सारी लड़कियां शुरू हो जाती हैं कि हैप्पी वुमेन्स डे करो हमारे को। ऑल डेज आर मेंस डे, आज हमारा दिन है इसलिए हम आज मस्ती करेंगे। वैसे ना इन्होंने बहुत गहरी बात कर दी है ये कि बाकी सारा दिन तो मेंस डे ही होते हैं, लेकिन वुमेन्स डे भी तो मेंस डे ही है। खाना तो यही बनाएंगे, हम तो खाएंगे बैठ के सिर्फ, है ना? हमारा तो एज यूजुअल डेली रूटीन है वही है। ये देखो। अच्छा हाँ, दिखा तो यार, बन के रहा, बड़ी सेक्सी चीज है। कभी आपने देखा है कि सांबर भी और चाय भी हम ऐसे कर लेते हैं? अप्पे बन रहे हैं भाई साहब, इतनी हेल्दी चीज है ना। हाँ? मतलब ये इसका बैटर वगैरह, और ये अप्पा मेकर ही है प्रॉपर, उसी में बनते हैं, ऐसे नहीं है किसी में बना लोगे। ये बैटर, अच्छा, हाँ, बैटर भी दिखा लो आप, घर बनाया हुआ है सब हमने। हमारे को तो बहुत पसंद है यार अप्पे, साथ में बस ये सांबर मिल जाए और अपनी वाली जो चटनी है ना रेड वाली फ्रिज में अभी, बट मजा आ जाता है यार। ये कह रहे हैं अभी दिखाऊंगी मैं सारा कुछ, कि टट्टी लगा के घूम रहे हैं बेटे, जो तुम्हें दे रहे हैं वो तो दिखाएंगे ना। ये देखो बहुत अच्छी बनती है ये, ये गोबर सी जो आपने लगाई है ना। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, यू आर वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूं लव, ये मम्मी है, और यशवी ऑफिस गई हुई है। पापा तो हमारे भाई बड़े लेट तीर से हैं। वो बेड पे ही बैठे रहेंगे, उठ चुके हैं मगर वो 2 घंटे बैठे बैठे चाय पीते हैं, ठीक है? अच्छा यार, हमारी अभी सीरीज भी चल रही है बांधवगढ़ और पन्ना की, बट उसके बीच में मैंने सोचा एक हाउस व्लॉग भी बना दिया जाए, अच्छा रहता ना थोड़ी, मतलब ये वाले भी चलते रहने चाहिए बीच बीच में, छुट्टी भी थी तो मैंने कहा चलो कर देते हैं आपके लिए एक और बढ़िया सा व्लॉग। वो सबसे पहले बोला करो, वुमेन्स डे भी है भाई, वो भी सबसे पहले बोला, वुमेन्स डे छुट्टी तो है ही है, वो तो हर हफ्ते आती है, वुमेन्स डे भी है, ये तो साल में एक बार आता है। साल में तो एक और बार, एक चीज एक ही बार आती है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि है, यस, यस। आज महाशिवरात्रि है, वो नहीं बोले की बम बम बोले, बम बम बोले, हैप्पी शिवरात्रि। कैसे बोलते हैं अरे, बम बम बोले। और क्या, बम बम बोले हैं। जय महाकाल, ठीक है? तो भाई ये भी है, ठीक है, वुमेन्स डे के चक्कर में महाशिवरात्रि नहीं भूल जाते हम। ऐसा है, महाशिवरात्रि पहले, वुमेन्स डे बाद में। वुमेन्स डे तो क्या यार है, क्या चोचले हैं वुमेन्स डे, मेंस डे ऐसे ही है बेटे, बनाए हुए हैं फालतू, बने हुए हैं। ये तो है ना महाशिवरात्रि, तो मतलब है, ये बनाई हुई नहीं है, उससे हम बने हुए हैं। यस बिल्कुल। तो भाई देखो, अभी एडिटिंग ही चल रही है, मैं सफारी व्लॉग एडिट कर रहा था मगधी वाला, और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि लोग मुझसे कई बार ना पूछते हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी व्लॉग्स क्यों नहीं डालते। यार एक तो 4K HDR में ये फाइल्स हैं, इतना टाइम इसे लगता है एडिटिंग के लिए, और अपने ऑफिस के साथ साथ मैं ना ये चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, कि दो दो एक तरह से ये टास्क है, प्रॉपर फुल टाइम जॉब है ये, लेकिन मैं दोनों चीज़ें साथ साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ लाइफ में, कि चलो यार ऑफिस भी बैलेंस रहे, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और ये भी करना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छा तो लगता ही है, बट यार वो भी है कि मेरे को खुद इतना पसंद है, तो ऑफिस के साथ साथ ना ये भी लगता रहता है कि चलो जो पसंद है चीज़ जो आप करना चाहते हो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, वरना तो मेरे ऑफिस में दिल ही ना लगता अगर मैं जंगल ना जा रहा होता रेगुलरली। अभी गोल गोल होते जाएंगे, इसका वो क्या पलटने वाला, जैसे यशवी पलटती है ये रहा। तो आप हाथ तो ये देखो, ये हाथ तो सही कर लेंगे, नहीं थोड़ा हाथ यूज कर लेते हैं ये रहा ना। हाँ इससे करो प्रॉपर, अपना हाथ से क्यों कर रहे हो यार, कि गर्म लगे इतना, यही होता है मम्मी होगा तो हाथों से ही कर लेती हैं पैन पकड़ के। और क्या, ओए गुलगुल कह रहे हैं तो हाथ यूज ना करो, अबे हाथों से उनको पकड़ लो ना, हाथ ऐसा यूज करो, वो भी हो जाते हैं पर इजी रहता है बेटे। ये खड़ा अपना टाइगर, यार गाड़ी ना वॉश करानी है ट्रिप के बाद से ना, ये देखो देख रहे हो ये सब खराब करता है गाड़ी को, पूरा जम गया है, चलो वॉश करा के आए। सब्सक्राइब करके रखो भाई माइल चेजर्स को, समझे?
हाँ जी सुन रहे हो, ये वार्निंग है लो फ्यूल की। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ भैया, चलो चेंज हो। ये देखा लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है और एम्प्टी, देखो पूरा एम्प्टी पर आया हुआ मेरा फ्यूल। अभी देखते हैं, ये देखो 12 की रेंज दिखा रहा है और ये एवरेज ना अभी कम होगी क्योंकि मैं एक हफ्ते से सिटी में चला रहा हूँ, बट जब मैं ट्रिप से आया हूँ ना वहाँ पे तो मुझे भाई धांसू एवरेज दिए, आपको उसमें पता चल जाएगा व्लॉग्स में, वो वाले देखना अभी चल रही है सीरीज क्योंकि, बट 12 किलोमीटर की रेंज रहेगी। तो जाके पहले इसको फ्यूल अप कराते हैं। जिस दिन वॉश कराने जाना हो ना यार, अच्छी सी फीलिंग आती है कि चलो इसको थोड़ा साफ कराया जाए। ट्रिप के बाद तो यूजुअली चाहिए ही होता है वॉश, और ऐसा ट्रिप हो भाई अगर 2000 किलोमीटर के ऊपर का तो उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा ही आपको ज़रूरत होती है कि प्रॉपरली इसको अंदर से भी सफाई कराई जाए। अभी देखो मेरा ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर की सर्विस भी आने वाली है, 19,000 इज़ ऑलमोस्ट डन, और ये भाई पिछले 2-2.5 महीने में ना मैंने गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला दी है। सोचो मेरी जो 10,000 वाली सर्विस थी, जो थर्ड सर्विस होती है, वो मेरी हुई थी दिसंबर में, मिड दिसंबर में, और अब मेरी भाई 20,000 वाली सर्विस ऑलमोस्ट आ ही गई। सोचो 2-2.5 महीने में 10,000 किलोमीटर। तो इस मामले में तो यार ये गाड़ी ना बहुत तगड़ी है। मतलब इस बार ये ट्रिप पे जाके भी ना पता चल गया कि इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लॉन्ग जर्नीज पे अगर आप जाओगे। जैसे 2000 किलोमीटर के ऊपर की जर्नी थी इसमें ना फटीग फील नहीं होता, ये तो मैंने देख लिया है। तो ये तो भाई अभी सिर्फ शुरुआत है, लंबे लंबे ट्रिप्स हमने और मारने क्योंकि आपको पता है भाई वाइल्ड लाइफ से प्यार है, ट्रैवलिंग से प्यार है। तो जाएंगे दोबारा से, अभी हमारे को एमपी के बाकी फॉरेस्ट भी कवर करने हैं, फिर महाराष्ट्र के हैं, साउथ के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, भाई इंडिया भरा पड़ा है वाइल्ड लाइफ से, भरा पड़ा है, सब देखने हैं यार। चलो भाई मोटा खर्चा आने वाला है, अभी डीजल का एकदम ही लो था तो आएगा मज़ेदार खर्चा, बट दैट इज़ ओके यार, इसकी ना ड्रिंकिंग हैबिट्स तो बढ़ती जा रही हैं, बट ठीक है। गाड़ी खड़ी करने के लिए थोड़ी ली है यार, चलाने के लिए ली है, चलाएंगे पूरा इस बार ना, अच्छे से यूज़ कर देनी है गाड़ी। जो मेरी पिछली बार थी ना सफारी स्टॉर्म, वो मैंने को 1.5 लाख चलाई थी, इसको तो मैं 10 साल तक तब मेरे होंगे ना, इसको तो मैं खींच दूंगा भाई काफ़ी ज़्यादा। तो भाई जब इसका पैम्परिंग डे है तो पूरा ही पैम्पर करेंगे, और वैसे भी जब मैं डीजल भरवाता हूँ तो हमेशा करा ही लेता हूँ अपना एयर प्रेशर भी, तो वो भी फटाफट हो जाएगा। 36 रखवा रहा हूँ यार, सही रहता है, वैसे लोग 35 भी रखवाते हैं, कोई लोग तो 40 रखवा लेते हैं, 40 मत कराया करो, दिक्कत होती है गाड़ी को वॉबल करेगी, तो 36 मुझे सही लगता है। सिटी में बाहर जा रहा हूँ तो 35 रख लेता हूँ। अब सही हो गया भाई, देखो फुल हो गया ना, रेंज फुल दिख जाए ना मज़ा आ जाता है यार, और अब आराम से चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सिंगल साइड है और ये उल्टा ही आ रहा है देखा जाए तो, बट सब चलता है भाई। चलो भाई वॉश करने लग गई गाड़ी, और ये ना साथ में भी खुल गया, मैं तो हमेशा इन्हीं से कराता हूँ यहाँ से, छोटी सी जगह है बट देन बढ़िया यार, 200 रुपये में कार वॉश कर देते हैं अंडर बॉडी के साथ, जैसे अंदर से भी करा रहा हूँ तो 400 रुपये लग जाते हैं। ये भी नए नए खुल गए, पहली बार देखे मैंने, नया ही खोला तो अंदर से मतलब प्रॉपर वर्कशॉप टाइप की खोल दी है, बढ़िया। सब लोग उधर ही हैं वैसे तो, खड़ अपना भाई से हमेशा कराती हैं तो यहीं कराएंगे। अभी गाड़ी ऊपर लिफ्ट होगी अपनी, उसके बाद अपनी गाड़ी नीचे से भी हो जाएगी। भाई साफ सब निकाल दिया ना, तो सीटें वीटें फोल्ड हो गई, देखो इतनी गंदी हो रही होती है नीचे से, मैट वगैरह भी सब साफ होगा आज, बड़े ट्रिप के बाद हो ही जाता है यार, देखो पूरा गंदा ना। सबसे पहले हो जाएगा अपना वैक्यूम, अंदर से पाइप वाइप लगा के वैक्यूम मारेंगे भाई, सही एकदम बढ़िया सा। लिफ्ट हो गई गाड़ी कैसा लगता है ना उठाई दी, अंडर बॉडी कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको दिखाया भी था ना, जैसे ये देखो ये खराब करती है गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा। ये देखो नट बोल्ट भी हैं तो उसके अंदर फंस ही गए हैं बेचारे, जगह ही नहीं है उनके पास। चलो प्रेशर वॉश शुरू, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है गाड़ी को धुलता देख के भाई, उस पर लगे लगे ऊपर चढ़ी हुई गाड़ी ना अभी टिल्ट हो गई, मतलब देखो आगे से ना लेफ्ट को हो गई है, तो मुझे एक मतलब डर ही लग गया कि क्या हो गया, उन्होंने दोबारा ऊपर करी, नीचे आ गई थी पूरी, मुझे लगा भाई गड्ढे में जा रहा है टायर है क्या हो गया। बस एक ये दिक्कत है कि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ वाली बिल्डिंग में, तो इतनी मिट्टी उड़ा रहे हैं ट्रक, और यहाँ गाड़ी वॉश हो रही है, वॉश होने के बाद भी साला गंद करेंगे ये। इसमें ना मेरे डीजल रीजन का सिंबल आ गया और बज भी रही है गाड़ी से, बीच में टू 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 कर रही है, तो देखते हैं इसको भी एक बार करना पड़ेगा, ऐसा तरीका होता है मैं चेक कर रहा हूँ वही, और उसके बाद पहले इसे ठीक करा जाए उसके बाद चलते हैं। देखो रीजन रिक्वायर्ड आ रहा है, और मैं इसमें ड्राइव इन्फो में आ गया ना, रीजन रिक्वायर्ड आ गया, कह रहा है प्रेस ये वाला जो बटन है इसको दबा के रखो फिर हो जाएगा, देखते हैं दबा के रखते हैं। अभी देखो बेसिकली ना ये आपका RPM जो है 2000 के ऊपर ऑटोमेटिक कर देगा, मैंने रेस वेस नहीं कुछ दबा रखी, देखो मेरे पैर पीछे हैं भाई,
रेस से, ये खुद ही दबा रखी है इसने। और ये बेसिकली क्या होता है, जो इंजन का जहाँ से प्रेशर लेता है ना, वो पंप अगर क्लॉग हो जाए तो उसको इसे ठीक करना होता है, तो इसलिए अभी ऑटोमेटिक कर लेगा। अब जैसे आरपीएम मेरा 2000 के ऊपर इसने रखा हुआ है, क्योंकि मेरी कुछ दिन से जैसे गाड़ी जो है 2000 के आरपीएम के ऊपर गई ही नहीं थी। सिटी में आप अगर चलाते रहते हो ना, ज़्यादातर अगर पाँचवा छठा गियर नहीं लग रहा है तो उसमें आती है ये वाली दिक्कत। दिक्कत नहीं है, आपको एक बार उसे क्लियर करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसको फटाफट क्लियर करके इसको ठीक कर दी गाड़ी। तो अब जैसे जिप मोड में रखी हुई है अभी तक, मुझे लगता है मैं जैप मोड अब लगा सकता हूँ कि हाँ जैप लगा देते हैं, तो उसमें ज़रा इजीली ना फटाफट जो है ये आरपीएम को ऊपर बढ़ा के ले लेगा और क्लियर कर देगा फटाफट। एक बार सुनो आवाज़ कितनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 2000 के ऊपर आरपीएम पे है अभी। देखो एसी वगैरह मैंने सब ऑफ करा हुआ है, ये देखो और आवाज़ मारी थी, आरपीएम बढ़ गया। रीजन इन प्रोग्रेस ही है अभी, तो हो गए हैं मुझे 3-4 मिनट। पहले भी एक बार हुआ था ये, और तब मैंने इसको डायरेक्टली गाड़ी के पर नहीं छोड़ा था और ख़ुद से ही करा था रीजन। तो उसमें क्या करा था मैंने यार, 2000 आरपीएम के ऊपर मतलब रेस देके गाड़ी सही से चलाई थी, और वो 2-3 मिनट जब चलाई तो रीजन ऑटोमेटिकली हट गया था, तो वो क्लॉगिंग जो होती है अपने आप ठीक हो गई थी। बट आज मैंने कहा चलो गाड़ी के थ्रू ही कर लिया जाए। हो ही रहा है भाई, 5 मिनट तो हो गए हैं, और इसमें थोड़ा टाइम लग भी जाता है, कई बार 5 मिनट में हो जाता है, कई बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी जा सकता है, पता नहीं अपने को कितनी देर लगेगी इसमें। नया नया अभी डीजल डलवाया और ऐसे फूकना पड़ रहा है यार, दो से तीन हज़ार के आरपीएम के बीच में इसने रखी हुई है। वरना आप इसको ये भी कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम करा था, खुद से चला लो गाड़ी, 2000 के ऊपर रखो आरपीएम और जिप में नहीं, जैप वगैरह में डाल के चलाते रहो पाँचवें छठे गियर में, उसमें भी हो जाएगा। पर ठीक है, ऐसे कर लेते हैं यार, आज अब लग ही गया इसमें तो बैठना ही पड़ेगा। डन है भाई, हो गया मतलब 7-8 मिनट, 10 मिनट से कम ही लगे। अब चलते हैं घर फटाफट, रीजन इज डन। अब घर जाके देखते हैं क्या सीन करना है आगे का, 2:45 हो गए हैं, 5-7 मिनट वैसे मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। और यार ये ना रीजन वाला जब भी हो ना, कर लिया करो उस टाइम पे से सही, या तो खुद से कर लो चलाकर, या आई सजेस्ट कि गाड़ी को ही लगा दो उस पर, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि आपको नहीं पता ना पूरा टाइम कॉन्टीन्यूसली चला पाओगे पाँचवें छठे गियर में 2000 RPM के ऊपर या नहीं, तो कर लिया करो कम्प्लीट। और ये डीजल गाड़ियों में ही होता है, पेट्रोल गाड़ियों में नहीं रिक्वायर्ड होता, तो जब भी आपको ये वार्निंग आए उसी टाइम कर लो। तो यार मैं घर वापस आ गया था और थोड़े से अपने कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा था, तो मैं वैसे ही सोच रहा था यार कि कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब कितना ज़्यादा इस चीज़ में होता है कि कुछ ऐसा नेगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ ऐसा मतलब करना है कि जिससे मतलब थोड़ा सा ना ख़राब हो चीज़। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सारे लोग, और वैसे ही मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता इस चीज़ में यार कि सारे लोग एक ही टाइप के होंगे। 99% जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत ही बढ़िया है और हमेशा सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। बट फिर भी ऐसे ना कुछ लोग बीच में निकल आते हैं जो फालतू के नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। मतलब आप अगर कुछ चीज़ नहीं पसंद आती है अब उसके बारे में बोलो तो वो एक समझ आता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो मैं लेता भी हूँ। कई बार कोई भाई बोलता है कि यार म्यूज़िक इसमें ये मत लगाओ, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ कि हाँ यार ठीक है, अगली बार से ये वाला म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा, दूसरा लगा देंगे, ये चेंज कर देंगे, या कभी कोई ऑडियो या वीडियो कुछ भी जो चीज़ होती है उसके बारे में उन्हें रिप्लाई करता हूँ, और वो बहुत अच्छी बात है, वो तो एक फीडबैक है। बट कुछ लोग हैं जिनको बस हेट देनी है, और सच बताऊं तो हेटर से वैसे कोई भी देखो बच तो सका नहीं है आज तक, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कितना ही बड़ा बंदा हो, हेटर से कोई नहीं बच सकता है ना, क्योंकि वो लोग हैं ही, उनका काम ही सिर्फ ये है कि हेट फैलाने वाला। तो मुझे ना मुझे सिर्फ हेटर से एक चीज़ कहनी है, एक्चुअली मुझे उनसे एक भी चीज़ कहनी नहीं है फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो, मेरे को क्योंकि उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है उन लोगों से जिनको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, जो हमारे को प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे उन लोगों से लेना देना क्या है यार, है ना। तो अब मेन बात उसमें ना, जो मैं प्रॉब्लमेटिक कमेंट्स की बात कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती की एक बात चलाते हैं कि यार ये एक फेक वीडियो है, ये एक फेक टाइगर साइटिंग है। फेक टाइगर साइटिंग कैसे कर दूंगा यार मैं, मतलब एक बात बताओ कहाँ फेक टाइगर साइटिंग कैसे हो सकती है। जो है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर मुझे फेक टाइगर साइटिंग ही करनी होती है, मैंने बात एक बार पहले भी अपने वीडियो में बोली है, तो मेरी हर सफारी व्लॉग में ना आपको टाइगर दिखाई दे रहा होता। मेरे इतने सारे सफारी व्लॉग्स हैं यार जो खाली जाते हैं, वरना हर में टाइगर ना दिखता। अगर मेरे को फेक ही डालना है तो हर में डालूंगा ना यार, अगर मुझे सेंसेशनलाइज ही करना है, टाइगर ही दिखाना है, हर किसी में डालता मैं, बट ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए भाई फेक कुछ नहीं होता, आपको प्रूव करने के लिए तो मैं इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकता। अब ये तो मैं करूँगा ना, जाकर टाइगर के साथ सेल्फी ले आऊँगा, देख भाई मुझे टाइगर दिखा है। तो ये चीज़ ना बीच बीच में मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में, बट जनरली इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बट फिर भी कभी कभी होता है कि चलो यार ऐसे जो हाउस व्लॉग बन रहे होते हैं उसमें कुछ दिमाग में आई बात तो कर लेते हैं बात, क्योंकि मुझे अभी दिख गया था एक और बार ना कमेंट, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार इस बारे में बता दूंगा ना। आई एम श्योर जो वो कमेंट करते हैं उन्होंने भी ये चीज़ देखी होगी, अभी ये वाला व्लॉग भी देख ही रहे होंगे वो।
नहीं देख रहे होंगे तो बढ़िया है भाई, देख रहे होंगे तो और अच्छी बात है, आपको आपका आंसर भी शायद मिल गया होगा और आपको पता है कि ये आप ही हो जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। इस सब पे ना एक भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, एक बंदा ऐसे ही वो हेट फैला रहा था, 2-3 वीडियोस लगातार हो चुके थे जब वो ऐसे ही कमेंट कर रहा था, तो एक भाई ने वहाँ पे जाके लिखा कि भाई दुश्मन ऐसे ही नहीं बनते, बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। तो ये चीज़ आई होप उनको समझ आ रही हो जो ऐसे कॉमेंट्स कर रहे हैं, तो नहीं भी आ रही तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फ़र्क हमारे को उससे पड़ नहीं रहा है, हमें तो अपना काम करते जाना है। और सबका मैं हमेशा एक चीज़ ऐसा कहता हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी मेहनत है, और मैं वैसे ही ना ऐसे आगे देख लेता हूँ, उसको ये नहीं कि यहाँ कुछ पढ़ रहा हूँ, देखो भाई ब्लैंक पड़ी है स्क्रीन में, कुछ पढ़ वढ़ नहीं रहा हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं उधर देख के बात कर लेता हूँ, कहीं सभी को लिख दें कि भाई ये ना पढ़ के बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं यार, हम भी उसकी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरे को रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है, लगता है कि अच्छी तरह से जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मिलना चाहिए, बट देन उसका जो फल है ना वो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे हाथ में मेहनत करना, वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, जो होगा बाकी सब देखते हैं, और जो हमारे को सपोर्ट करते हैं वो तो करते ही हैं। ठीक है, चलो यार इस व्लॉग को एंड करते हैं, बहुत होगी अपने दिल की बातें, अब किसी और व्लॉग में करेंगे, अगर ऐसे व्लॉग भी आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे को बता देना, हम बनाते रहेंगे। बाकी अपनी जो सीरीज़ चल रही है बांधवगढ़ पन्ना वाली, आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे कैसी टाइगर साइटिंग्स आने वाली है, उसमें धांसू जल्दी जल्दी डालूंगा, नाइट सफारी भी आने वाली है उसमें, तो वो भी आएंगी, मुझे पता है आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉमेंट करते रहो, प्यार देते रहो, लाइक करते रहो वीडियोज़ को, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। See you, Tata, in the next vlog.